दोस्तों मैंने यहाँ पर चेरिस ओएस 2.10 हमारे अपने डिवाइस रेडमी 7A में इंस्टॉल कर लिया है। आज आपको इसका रिव्यू दूंगा। तो चलिए चलते हैं अबाउट में। अबाउट में जाके हमें देखें यहाँ पर चेरिस ओएस 2.10 का मिल जाता है, जो कि एक ऑफिशियल बिल्ड है। उसके ऊपर हम यहाँ से रेडमी 7 का डिवाइस नेम मिल जाता है और एंड्रॉयड 11 के साथ ही आता है। और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेंटेनर इन्फो और चेरिस ओएस का वर्जन होला है इसका। सिक्योरिटी पैच हमें अक्टूबर 1, 2021 का मिल जाता है, जो कि काफ़ी पुराना है। हालांकि ये एंड्रॉयड 11 है, इसलिए ये पुराना है, बिल्ड दिया गया है। उसके नीचे हमें सेम स्टेटस मिल जाता है, रेडमी 7A का मॉडल मिल जाता है, IME वगैरह वगैरह। ओवर सिस्टम में अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये गेस्चर्स एक मिलती है चीज़ काम की, मुझे लगती है गेस्चर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपने 3 डॉट्स रखने हैं या फिर ये स्वाइप वाले गेस्चर रखने हैं। नीचे डेवलपर ऑप्शन में मिल जाता है, और डेवलपर ऑप्शन में से आप USB डेवलपिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी तो चीज़ें हैं, अभी इतनी खास नहीं है। ये सिस्टम अपडेट में जाके देखें तो ये लेटेस्ट वर्जन है रेडमी 7A का, चेरिस ओएस का। तो ऊपर आके देखें, ऊपर नेटवर्क की सेटिंग में सब कुछ वैसे मिल जाता है, कोई इतनी अलग चीज़ नहीं है जो भी नॉर्मल मिलता है। और नीचे कनेक्टेड डिवाइसेस, यहाँ पर दोस्तों हर एक मेन्यू में देखें आप देख सकते हैं, यहाँ पर एनिमेशन, हर एक में एनिमेशन मिल रही है आपको। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एनिमेशन बहुत ज़्यादा इसमें दी गई हुई है। और ये जो चेरिस सेटिंग्स है दोस्तों, ये इसका कस्टमाइजेशन मेन्यू है। और दोस्तों एक बात बताऊँ, इसमें कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये अपना स्टेबिलिटी थोड़ी कम खो दी हुई है। स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी। तो सबसे पहले स्टेटस बार में जाकर देखें, ट्रैफिक इंडिकेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैटरी की का लुक अप चेंज करते हैं। यहाँ से हमें काफ़ी सारे इन्होंने ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए वो बैटरी का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो बैटरी की पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं, आइकन के पहले परसेंट के पहले या परसेंट के बाद उसको परसेंटेज को हाई कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी के अंदर जो आएगा चार्जिंग करते वक्त, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। क्यू एस पैनल, यहाँ पर क्यू एस पैनल में इसकी परसेंटेज नज़र आएगी, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए आप दोस्तों चेक कर सकते हैं कि ये रोम काफ़ी लैग कर रही है, काफ़ी स्लो रोम चल रही है। तो उसके नीचे हमें क्लॉक की सेटिंग मिल जाता है। इसमें कस्टमाइजेशन हर एक मेन्यू के लिए बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, और इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। शो 4G इंस्टेड ऑफ LTE, ये काम की चीज़ है। वैसे मुझे 4G का वाला आइकन अच्छा लगता है। और बैटरी बार को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर बैटरी बार लाना है तो आप ला सकते हैं। कैरियर लेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं आप। और लोगो, ये अच्छी चीज़ है, इसमें लोगो की यहाँ पर ये देखें आपको फायर का लोगो नज़र आ रहा होगा स्टेटस बार पे, इसको आप ऑन ऑफ चेंज कर सकते हैं और ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये चेंज किया, देखें उसको लोगो चेंज हो गया, उसकी पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये वैसे काफ़ी मुझे तो सही चीज़ है। क्विक सेटिंग में आके देखें तो आप यहाँ पर ग्राइड के ये जो क्विक टायर्स है उनका, उनके स्टाइल, उनका कलर चेंज कर सकते हो। कलर अगर देखें सीजन वाइज रखेंगे तो उनका कलर थोड़ा सा डार्क डार्क आ जाएगा, और अगर एंड्रॉयड 12 रखेंगे तो इसका थोड़ा लाइट कलर आ जाएगा। तो उसके नीचे आप QS मीडिया प्लेयर है, इसमें आप मीडिया प्लेयर पता नहीं क्या इसको कर सकते हैं, इसमें कुछ कर सकते हैं। और हेडर इमेज, ये एक मेन चीज़ है दोस्तों। हेडर इमेज देखें, अगर ये देखें आपको ये जो ऊपर नज़र आ रही है ना स्टेटस बार के ऊपर इमेज, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको अनेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत सी ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपने स्टेटिक ऑटोमेटिक पर रख के तो नीचे को सिलेक्ट कर लेना। देखें वो देखें ऊपर चेंज हो जाएगी इसकी। आप हाइट को चेंज कर सकते हैं, DPI DP से इमेज हाइट ऑफ सेट इसको चेंज कर सकते हैं। और आपने अगर अपनी कोई फोटो लगानी है तो उसको भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक रखी, ऑटोमेटिक रहने दें। और फोटो टेक्स्ट को आप लिख सकते हैं, देखें इट्स ग्लू मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको देखें नज़र फिर ये देखें यहाँ पर आपको फोटो टेक्स्ट इट्स ग्लू लिखा नज़र आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं और आप बंद भी कर सकते हैं। नीचे क्लियर आल बटन भी, आप अगर ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर क्लियर आल बटन भी आपको नज़र आएगा, तो उसको भी आप बंद कर सकते हैं। क्लॉक पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं, QS पैनल में ऊपर जो टाइल्स रहती हैं उसके टाइल्स को में जो क्लॉक पोजीशन होती है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अपडेट ऑन टच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे चल के थीम्स में देखें, थीम्स में दोस्तों बहुत कस्टमाइजेशन है और बहुत मज़े मज़े किए हैं। तो आप इसमें असेंड कलर पिक कर सकते हैं, जौन सा भी आपने रखना चाहे रख सकते हैं। क्लॉक स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, जैसे लॉक स्क्रीन पे कौन सा स्टाइल है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लॉक्स हमें प्रोवाइड की गई हैं। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं वैसे फ़िलहाल, तो बंद करके ऑन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखें दोस्तों क्लॉक का स्टाइल चेंज हो गया है, आपको नज़र शायद नहीं आया होगा नोटिफिकेशन था। चलिए उसके नीचे और देखते हैं कि और क्या क्या फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और वाईफाई का जो आइकन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, आइकन शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ से आइकन स्टेटस बार आइकन को भी का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आपने कौन सा रखना है, किस स्टाइल का रखना है। और उसकी हाइट को भी आप स्टेट बार की हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। सिस्टम UI स्टाइल इसका मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं इसको। और स्विच स्टाइल आप कौन सा रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। ऊपर जो हेडर है उसको क्वे स्टाइल का उसको आप चेंज कर सकते हैं। बैटरी स्लाइडर, बैटरी को कंट्रोल, ब्राइटनेस कंट्रोल करने का जो स्लाइडर है उसकी आप लुक को चेंज कर सकते हैं। एंड्रॉयड 12 जैसे मैंने अभी रखा हुआ है
उसके नीचे पैनल बैकग्राउंड को आप स्टाइल को आप कर सकते हैं चेंज, इसका पता नहीं क्या है, देखिए इसलिए रहने दें, इसको फिलहाल रहने दें। तो आप खुद ये चेक कर सकते हैं, एक मिनट, यूएस स्टाइल का कलर को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद नव बार ये जो आपको नज़र आ रही है लाइन, इसको उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी वैसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है। और वॉल्यूम पैनल का भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप एम आई यू आई रखेंगे तो एम आई यू आई का वॉल्यूम पैनल आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर, और अगर आप कोई और रखेंगे ओरियो रखेंगे तो ओरियो का स्टाइल आ जाएगा यहाँ पर। ये देखें दोस्तों, ओरियो का स्टाइल आ गया, वैसे इतना अच्छा प्रॉपरली वर्क नहीं किया इसने। उसके बाद आप बटन्स में आ जाते हैं, तो बटन्स में आप कैसे चेंज कर सकते हैं, नव बार को इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, एरो कीज़ की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन में है दोस्तों आ जाए तो एनिमेशन में भी काफ़ी ज़्यादा, एनिमेशन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं, वैसे क्यू एस स्टाइल के एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं ऊपर दो तीन चीज़ें। जैसे लॉक स्क्रीन में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो दोस्तों ये है चार्जिंग एनिमेशन, ये बहुत कमाल की चीज़ है। चार्जिंग एनिमेशन आप चूज़ कर सकते हैं और लास्ट में आपको चार्जिंग इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि चार्जिंग कितने तेज़ी से हो रही है, कितने वोल्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं। चार्जिंग बैकग्राउंड इसको अगर आप ऑन करेंगे तो चार्जिंग एनिमेशन बस नजर आएगा, पीछे सिस्टम ब्लैक हो जाएगा, इसको आप ऑफ ही रहने दीजिएगा। चार्जिंग एनिमेशन मतलब कि चार्ज अब हो रहा होगा, या नीचे ना इस जगह पे छोटा सा आएगा वो निशान, उसको आप चेंज कर सकते हैं। नीचे हाइड स्टेटस बार, स्टेटस बार को हाइड कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का शेड्यूल आप चेंज कर सकते हैं, ऑन पता नहीं कहाँ से देख लिए, ऑन पता नहीं कहाँ से करनी है। लॉक स्क्रीन की क्लॉक को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और डेट स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं, और ऑनर इन्फो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और नीचे से आप ऑनर इन्फो भी एडिट कर सकते हैं। तो शो वेदर को आप शो कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर, लॉक स्क्रीन के कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ऑनर इन्फो मैंने इस रंग का रखा हुआ है, आप चेंज भी कर सकते हैं। पावर मैन्यू में आप पावर मैन्यू की जो एनिमेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप स्लाइड रखेंगे तो देखें इस तरह के आएगा, अगर आप कोई और करेंगे फ्लाई रखेंगे तो किसी और तरीके से आएगा, देखो इस तरह का साबुताब है। और ये एडवांस रिबूट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन लाइट को, इसको जो ऊपर आती है रेडमी सेवन ए की लाइट, उसको बस वो लाइट डिम हो जाएगा और ब्राइट हो जाएगा, चेंज कलर नहीं होता है। कलर ने इन्होंने कलर चेंजिंग का ऑप्शन दिया गया, हालांकि वो नहीं होता। नोटिफिकेशन लाइट ये देखेंगे आप यहाँ पर, तो कौन कौन से ऐप्स आपको नोटिफिकेशन लाइट देगी उसको आप चेंज कर सकते हैं। ब्लिंक फॉर कॉल्स का ऑप्शन दिया गया है, और कस्टम कलर ये देखें, कलर आप जो समझ सेलेक्ट कर लें, पर उसने ब्लू वाइट ही रहना है क्योंकि इसमें डायनेमिक सिस्टम नहीं है। भला क्या 7H में उन्होंने डायनेमिक सिस्टम दिया हुआ है कि कौन सा भी अपने कलर रखना है वो रख सकते हैं। और मेसिलिनियस में आपको कुछ दो तीन चीज़ें मिलती हैं, फोर्स ब्राइटनेस वैल्यू का ऑन ऑफ कर सकते हैं, इमेंट डिस्प्ले की ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, गेमिंग मोड यहाँ पर हमें दिया गया है, वेकॉन चार्ज को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट टाइप अगर आपने थ्री फिंगर्स से भी अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो भी आप कर जाएगा, या फिर अगर आधी स्क्रीन का लेना है तो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सस्पेंडेड एक्शन यहाँ पर पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। रेडियो इन में जाकर देखें तो आपको सिम का स्टेटस से बताएगा, इस मोबाइल का जो नेटवर्किंग स्टेटस है वो बताएगा। अलार्म ब्रेकर को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यूज़ फ्रेम वैल्यूज़ पता नहीं है क्या, इसका मुझे भी नहीं पता। और नीचे सबसे नीचे बोर्ड का दिया गया है कि स्क्रीन इनकी वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, गिटहब का लिंक, ये सब चीज़ों का लिंक हमें प्रोवाइड किया गया है। और नीचे जितनी डिवाइस मेंटेनर के इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद पीछे आ जाए तो यहाँ पर डिस्प्ले में जाके देखते हैं, डिस्प्ले में भी हमें देखेंगे ऊपर एनिमेशन मिल रही है। डार्क थीम को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, डार्क थीम प्रॉपरली वर्क करती है इसमें, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो नाइट लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लाइव डिस्प्ले का भी ऑप्शन में दिया गया है, स्क्रीन को ओरिएंटेशन को आप रोटेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, और वॉलपेपर स्टाइल में जाके देखें तो यहाँ पर हमें, हम यहाँ से इतनी खास चीज़ें नहीं आती हैं, आपको सेटिंग जा करनी पड़ेंगी। और इसमें वॉलपेपर का सपोर्ट भी मिल जाता है, लाइव वॉलपेपर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, देखें ये लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन है पर अवेलेबल नहीं है, लाइव वॉलपेपर इसमें वर्क नहीं करते। हालांकि इसके अपने वाले पर भी काफ़ी ठीक ठाक हैं जो कि एंड्रॉइड 11 में मिल जाते हैं हर एक रोम में। लॉक स्क्रीन में चलते हैं, और लॉक स्क्रीन का ऑनर इन्फो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, वहाँ से नहीं था होना, यहाँ से होना था, तो यहाँ इसको आप यहाँ से लिख कर वहाँ से जाकर एम्बेंड म्यूजिक टिकर, इसका मुझे नहीं पता क्या है। तो लॉक स्क्रीन में इतना कुछ था, डबल टैप टू वेक अप ऑन ऑफ कर सकते हैं, नीचे वो दो चीज़ें और हैं वो इतनी खास नहीं है। और साउंड भी इस रोम का काफ़ी ठीक ठाक है, वो आप अगर नए कोई गाने सुनने हैं या कोई कुछ और चीज़ सुननी है, मूवी देखनी है, तो इसके लिए बड़ी अच्छी रोम है, वैसे आवाज़ इसकी बहुत अच्छी है। रोम के स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पीकर को काफ़ी बूस्ट करके देता है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपनी थोड़ी सेटिंग, चार्जिंग वाइब्रेशन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो और दोनों चीज़ें। तो इसमें दोस्तों जो है ना पैटर्न वर्क कर रहा है, हालांकि जब मैंने पहली दफ़ा ये रोम इंस्टॉल की थी तब नहीं था वर्क कर रहा, पर अब कर रहा है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ऊपर बैक आ जाएँ और होम स्क्रीन की बात करें, तो होम स्क्रीन सेटिंग में हमें ऑप्शन मिल जाता है एट अ ग्लैंस का, आपको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, एड ऐप्स टू होम स्क्रीन को बंद कर सकते हैं, स्वाइप टू एक्सेस गूगल ऐप को, और ओवरव्यू गेस्चर्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। मैंने तो गेस्चर्स बंद ही रखे हैं क्योंकि हमें तंग करते रहते हैं। पिक्सेल लॉन्चर इस्तेमाल किया है दोस्तों,
पिक्सल लॉन्चर उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, देख सकते हैं पिक्सल लॉन्चर 11 है यहाँ पर। उसके बाद वेजेज में कोई खास चीज़ नहीं मिलती क्योंकि एंड्रॉयड 11 है, एंड्रॉयड 11 में क्लॉक का वेजेज नहीं है, वो वाला जो एंड्रॉयड 12 का है। तो यहाँ पे यहाँ से आ चुके हैं। ऐप्स की बात कर लें तो यहाँ पर हमें कोई फालतू ऐप्स नहीं मिलती। कैमरा कैमरा ऐप्स की बात ऐप की बात करें तो यहाँ पर हमें MIUI का कैमरा दिया गया है जो कि वर्क करता है पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, आप चाहें तो जी कैम इसमें इंस्टॉल करते हैं। फाइल्स बाई गूगल हमें दी गई है और फाइल्स एक स्टॉक AOSP फाइल मैनेजर भी हमें दिया गया है, डायरेक्ट हमें गूगल में मिल जाता है। तो अब दोस्तों बात करें इस रोम की, क्योंकि ये वर्स्ट रोम कैसे है, वो इसलिए क्योंकि इस इन्होंने ना मेरे ख्याल से कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा दी हुई है। अगर कस्टमाइजेशन आप ना भी करें फिर भी दोस्तों इस रोम में ना बहुत स्लो है, रोम को चलाने का ज़रा मज़ा नहीं आता। कस्टमर बंदा इंतजार करता है कि एंड्रॉयड अप हो सके और स्मूथनेस आए सिस्टम पर इसमें स्मूथनेस और ज़्यादा कम हो गई इससे, चुता है MIUI 12 थी। पर दोस्त ये रोम बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है डेली ड्राइवर के लिए। अगर आपने बस इसको चेक करना है कि इसका कस्टमाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, आप उसको अगर अपने सिर्फ टेस्टिंग के लिए इंस्टॉल करें तो आप कर सकते हैं, डेली ड्राइवर के लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो है। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो के लिए। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डर से किया है, कैमरा मोबाइल मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं की। तो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।